नमस्कार, मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है गड़बड़ पर सियासी बड़बड़। जी हां, छिंदवाड़ा में सब गड़बड़ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। जाहिर है कि छिंदवाड़ा ही वो सीट है जिसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीतना चाहती हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि उसका किला बचा रहे, तो बीजेपी इस अभेद्य किले को ढहाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। लिहाजा गड़बड़ पर सियासी बड़बड़ तेज है। कमलनाथ इसे छिंदवाड़ा की जनता का अपमान बता रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि छिंदवाड़ा में विकास नहीं हुआ, तो ये गड़बड़ ही है। लेकिन क्या गड़बड़ जैसे शब्द को मुद्दा बनाकर कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाएगी, या फिर कांग्रेस का ये गढ़ भेदने में बीजेपी सफल होगी? आखिर इस बार छिंदवाड़ा की जनता किसका साथ देगी? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का रण, निशाने पर कांग्रेस का गढ़। सीएम बोले, छिंदवाड़ा में सब गड़बड़। प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक छिंदवाड़ा सीट पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस के इस गढ़ को भेदने बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बुधवार को बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने नामांकन के बाद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये किसी का गढ़ नहीं है, यहाँ सब गड़बड़ है। जाहिर है कि ये सीट बीते 72 साल से कांग्रेस का गढ़ बनी हुई है। मोदी लहर में भी कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट को बचाने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी का फोकस कांग्रेस के किले को ढहाने पर है। लिहाजा बीजेपी के दिग्गज इस इलाके का दौरा कर कमलनाथ को घेरने में जुटे हैं। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। किसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही निपट गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गया, जीत गया जीत गया जीत गया, तो खाली 37,000 किसको कहते हैं 37,000? केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। इधर सीएम मोहन यादव ने कमलनाथ पर तीखा प्रहार किया तो कांग्रेस तिलमिला उठी। पहले कमलनाथ ने सीएम के बयान को छिंदवाड़ा की जनता का अपमान बताया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि गड़बड़ शब्द को बुनाकर इसका बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, तो कांग्रेस नेता भी अब कमलनाथ के सुर में सुर मिला रहे हैं। छिंदवाड़ा में गड़बड़ शब्द का उपयोग कर उन्होंने लोकतंत्रकार वहां की जनता का अपमान किया है। मुख्यमंत्री जी ने कल यह भी कहा है कि छिंदवाड़ा में विकास नहीं हुआ है, विकास को ढूंढना चाहिए। वहीं उनके केंद्रीय मंत्री जो बहुत सम्मानित तो सच बोलने में विख्यात हैं, नितिन गडकरी जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि देश में यदि विकास का मॉडल देखना हो तो छिंदवाड़ा में जाकर देखें। तो अब ये भाजपा तय करे कि डॉक्टर मोहन यादव जी सच बोल रहे हैं या नितिन गडकरी साहब ने सच बोला था। कमलनाथ और कांग्रेस नेता गड़बड़ कहने को छिंदवाड़ा की जनता का अपमान बता रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले ही थांदला से कांग्रेस विधायक वोट बांटने वालों के हाथ काटने की बात कर रहे थे। इस पर कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी नहीं की, क्या वो जनता का अपमान नहीं था? खैर, छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए कांग्रेस नए नए नैरेटिव सेट करने में लगी है। शायद उसे ये डर है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी जो ना कर सकी इस बार वो कर देगी, यानी उसके हाथ से छिंदवाड़ा भी निकल सकता है। इसलिए कांग्रेस अपने किले को बचाने के लिए ये पैंतरा आजमा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रियंका दुबे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजकुमार उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हैं, चैतन्य भट्ट वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं गड़बड़ कहकर सीएम ने छिंदवाड़ा की जनता का अपमान किया है, और बीजेपी के नेता तय कर लें कि गडकरी सही हैं या डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि गडकरी ने कहा है कि विकास देखना है तो छिंदवाड़ा में देखिए, और वो कह रहे हैं विकास दिख ही नहीं रहा यहाँ।
देखिए, अगर हम बात करते हैं केंद्रीय नेतृत्व की, तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई, अगर वो धरातल तक पहुंच रही है और जनता को लाभान्वित कर रही है, तो नए क्षेत्र में किया हो, लेकिन विधानसभा के विषय और लोकसभा के विषय बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और अगर हम प्रकार से देखने जाएं तो पिछले इलेक्शन की जब हम बात करते हैं, लेकिन विकास तो एक ही होता है ना, चाहे लोकसभा का विकास देख लीजिए चाहे विधानसभा का विकास देख लीजिए, विकास तो वही होगा ना। दोनों का विषय अलग होता है। राष्ट्रवाद के विषय की बात अगर हम प्रदेश के स्तर पे बात करते हैं और जो योजनाएं लाभान्वित कर रही है वो केंद्र के द्वारा बनाई गई, जो एक स्थायी सरकार के द्वारा, और अगर हम कहें कि जो जिनकी नीति रीति स्पष्ट है उनके द्वारा बनाई गई है, और उसमें अगर विकास होता है तो उसका श्रेय केंद्रीय सरकार को जाना चाहिए जिसके द्वारा ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे उस क्षेत्र का जो तबका है वो अपने आप को पूरी तरीके से लाभान्वित पा रहा है। और अगर हम बात करते हैं 7 विधानसभाओं में से अगर हम बात करते हैं, तो पिछली बार लोकसभाओं में 4 में भारतीय जनता पार्टी की लीड रही थी, इसलिए हम स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर और वो कह रहे हैं कि जनता का अपमान है छिंदवाड़ा की जनता का और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल मेरा ये था। दूसरा सवाल मेरा ये था कि नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो तारीफ करते हैं कि विकास देखना है तो छिंदवाड़ा में जाकर देखिए, और सीएम कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में विकास ढूंढे से नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो केंद्र की योजनाएं हैं, अगर वो ग्राउंड तक पहुंची है तो नितिन गडकरी जी का कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु प्रदेश के जो नेतृत्व है उसको अपना कार्य बताकर ही कमलनाथ जी खुद का श्रेय जो लेते हैं तो वो तो गड़बड़ ही है ना। अगर आप वहां भ्रमित करके जनता को खुद का श्रेय ले रहे हैं और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर हम बात करते हैं जो केंद्र सरकार ने मदद करी है, तो स्पष्ट तौर पर कमलनाथ जी जो खुद की पार्टी को नहीं संभाल पा रहे। लेकिन प्रियंका जी, ये भी तो गड़बड़ है ना कि यदि छिंदवाड़ा का जिक्र कर रहे हैं गडकरी और दूसरे शहरों का नहीं कर रहे, तो मध्य प्रदेश के साथ भी गड़बड़ है एक तरह से। मध्य प्रदेश के साथ में अगर गड़बड़ हुई होती तो आज जनता 163 की मैंडेट के साथ में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने का मौका देती। अगर जनता ने इस बात को साक्ष्य माना होता और ये बात को विश्वास किया होता तो आज पुनः हम सत्ता से प्राप्त किए होते और आज हम नेतृत्व दे रहे होते। तो ये जो चीजें हैं, अगर हम कहें यह गड़बड़ कमलनाथ जी की खुद की है जो भ्रमित करके वहां की जो बोली जनता है उसको हमेशा ठगते चले आए हैं, और जो केंद्र की रीति नीति है और जो प्रदेश की रीति नीति वहां पर जो उनको बिना उपेक्षा किए जो उनको विश्वास करते हुए और छिंदवाड़ा की जनता को आत्मसात करते हुए इसका विकास में सहयोग किया है, जिसको वो खुद का स्वयं का विकास मानते हैं और स्वयं के द्वारा किए हुए कार्य मानते हैं, वो पूरी तरीके से जनता के साथ ठगी है। ठीक है, और तो गड़बड़ का अभिप्राय उनका ये है। राजकुमार जी, चलिए जवाब ले लेता हूँ। राजकुमार जी, गड़बड़ का अभिप्राय उनका ये है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी भ्रम फैलाते हैं, गड़बड़ करके वहाँ की भोली वाली जनता को भ्रमित कर देते हैं, इसलिए उन्होंने गड़बड़ शब्द का इस्तेमाल किया है। माफ़ी का तो सवाल ही नहीं उठता इस पर, क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? वो तो कमलनाथ जी के लिए कह रहे हैं और आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, जनता का अपमान बता रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात वो डॉक्टर मोहन यादव जी छिंदवाड़ा क्षेत्र में जाकर कह रहे हैं कि यहाँ गढ़ नहीं गड़बड़ है, तो इसका मतलब वो सीधा जनता पर आरोप लगा रहे हैं, वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वहां के आदिवासी परिवार, वहां नौजवान, हमारे महिला वोटर, नौजवान युवा, उसके बाद किसान, इन सभी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और दूसरा आपका प्रश्न का जवाब भी मैं बता देता हूं कि कमलनाथ जी ने कभी उसको गढ़ नहीं, उस क्षेत्र को अपना परिवार, उन्होंने अपना जीवन जब से वो आए हैं तब से उन्होंने छिंदवाड़ा को परिवार मानकर अपना सर्वस्व, समय, जीवन और अपना राजनीतिक कैरियर पूरा वहां समर्पित करके रखा है। और विकास की बात करेंगे तो विकास वहां क्या हुआ है यह भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी मालूम है, वो समय समय पर वहां 2004 में भी लेकिन राजकुमार जी, वहां लड़ने राजकुमार जी, जब विकास वहां पर इतना है
तो सीएम ने ये भी कहा है कि 40 साल से आप यहाँ हैं, तो फिर रोना क्यों रो रहे हो जब आपने किया है? ऐसे में तो आपको डूब मरना चाहिए। बिल्कुल रोना नहीं हो रहा है। वो जब परिवार के बीच में कोई भावुकतापूर्ण बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिस प्रकार की वो ठग रही है जनता को, देश और प्रदेश की, और जिस प्रकार की भावनात्मक खेल वो खेलते हैं, उनको लगता है ये हमारी जो प्रक्रिया है। लेकिन जब परिवार के लिए बहुत कुछ करना करता है आदमी राजकुमार जी, तो डंके की चोट पे कहता है कि हाँ ये लड़िए। पहले ऐसे ही कहते थे कमलनाथ जी, वही तो सवाल है कि आप क्यों सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि ये मेरा क्षेत्र है, मेरी मुझे विश्वास है यहाँ की जनता पर, और वो बिल्कुल वहाँ की छिंदवाड़ा की जनता के लिए उन्होंने बहुत किया है, वहाँ के विकास के लिए भी उन्होंने बहुत किया है, इसलिए बिल्कुल इस चीज की उनको शंका कुशंका नहीं है। छिंदवाड़ा की जनता उनको बिल्कुल अभूतपूर्व तरीके से पुनः विजयी बनाएगी, ये निश्चित मानेंगे। ठीक है, प्रियंका जी कुछ कह रही थी आप, फिर मैं चेतन जी के पास जाऊँ। आज महिला सम्मान की बात वो लोग करते हैं जो लोकसभा इलेक्शन में 29 सीट में से सिर्फ एक महिला के ऊपर विश्वास जता पाए, और ढूंढने से इनको खुद के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। पुरानी ईंटों के ऊपर संगमरमर का अगर हम बात करें, ताजमहल बनाने का सपना देखने वाले लोग आज बात करते हैं कि इन लोगों को मतलब विकसित भारत की कल्पना करने के लिए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास दूसरे दौर में, जवाब भी लेंगे इसका राजकुमार जी से। चेतन जी संगमरमर की क्या बात करने आ रहा हूँ राजकुमार जी, आ रहा हूँ चेतन जी, क्या इस बार बीजेपी जिस तरह से दम लगा रही है छिंदवाड़ा में, इसलिए कमलनाथ सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? गड़बड़ को मुद्दा बनाकर क्या वो कुछ फायदा उठा पाएंगे? छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में इशू बना हुआ है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि छिंदवाड़ा में वो अपना विजयश्री हासिल कर सके, लेकिन अभी तक उसको वो सफलता मिल नहीं पाई, और यही कारण है कि जब वो 29 सीटों का संकल्प लेकर चल रही है कि मध्य प्रदेश में मुझे 29 सीटें जीतना है, तो उसमें एकमात्र सीट एक ऐसी है जो पिछली बार नकुलनाथ को मिली थी, और उसको भी छीनने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की करने की कोशिश कर रही है। इसलिए तरह तरह के बयान हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता वहां जा रहे हैं ताकि छिंदवाड़ा की जनता को ये बताया जा सके कि अब जो 29 की 29 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है। लेकिन जहां तक जो विकास की बात है, तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में विकास हुआ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में उसको माना भी जाता है। एक छोटे से जिले को जिस तरह से डेवलपमेंट मिला है वो अपने आप पे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और शायद यही कारण है कि कमलनाथ जी पिछले लंबे अरसे से वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उसके बाद उनके बेटे ने भी और उनकी पत्नी ने भी वहां पे प्रतिनिधित्व किया था, और अभी हाल के विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं वहां की जनता ये समझती है कि कमलनाथ ने जो डेवलपमेंट किया है, और इसलिए वो उसका प्रतिनिधित्व करने के हकदार है। दूसरी बात यह है कि वो दिल्ली में भी कई विभागों के मंत्री रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार रही है, और जिन जिन विभागों के वो मंत्री रहे हैं उनका कहीं ना कहीं फायदा छिंदवाड़ा को मिला है। अब जहां तक मोहन यादव जी की बात है कि उन्होंने कहा कि सब गड़बड़ है, अब उसको अगर एक प्रश्न चिन्ह बना के राजनीति की जा रही है, तो ये तो देखिए ये तो अब चुनाव का माहौल है, इसमें तो छोटी छोटी बातों को प्रेस्ट इशू बना लिया जाता है या उसको स्प्रेड आउट करने की कोशिश की जाती है कि सामने वाले व्यक्ति ने जनता का अपमान कर दिया, या उनका कहना ही था कि जैसे कमलनाथ ने कह दिया कि मुझे अपनी जनता पे पूरा भरोसा है, और बड़ा भावुक तरह का बयान उन्होंने दिया है कि ये तो मेरा पूरा परिवार है। तो ये राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त, इस तरह की राजनीति है। और फिर जब लेकिन चेतन जी, जब आपका एक पक्ष इतना मजबूत है कि आपने विकास किया है, रोल मॉडल मानते हैं उसको, आप 15 माह में सरकार में रहे, छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते रहे, तब आपको इतने सिंपैथी कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं डर है जो आपके साथ के लोग छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, ये डर तो है, कांग्रेस के पास तो ये एक बहुत बड़ा डर है,
क्योंकि इस तरह से नेता लोग छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज ही हमारे पाटन क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक हैं, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो जब इस तरह की परिस्थितियां हो के भाग दौड़ मची हुई है, आया राम गया राम की स्थिति है, तो जो एकमात्र सीट है उसको बचाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना कांग्रेस। बिल्कुल, अगर आप युद्ध में आए हो तो आपको कहीं ना कहीं एक आध गांव, एक आध शहर तो बचाने का प्रयास करना पड़ेगा, एक रियासत बचाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो वो प्रयास जो है वो कमलनाथ की तरफ से किया जा रहा है, और इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार की कोई संदेह की बात है कि अगर वो अपना परिवार मान रहे हैं उसको, छिंदवाड़ा को, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है और उसको जब जीत लगातार हासिल होती है तो वो उसको इसी तरह से मानता है कि मेरा पूरा परिवार है और ये परिवार मुझे प्रतिनिधित्व देता है हर बार। तो अगर उन्होंने इस तरह से भावुकतापूर्ण बयान देके मतदाताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश की है तो ये कोई बड़ी ऐसी ऐसी मुद्दे वाली चीज नहीं है। तो ऐसी मुद्दे वाली चीज नहीं है राजकुमार जी, लेकिन डरे हुए हैं क्योंकि जिस तरह से आप लोग के यहाँ से छोड़ छोड़ कर बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, शायद इसलिए तमाम कार्ड खेल रहे हैं कमलनाथ जी। भावुकता का कार्ड भी खेल रहे हैं, परिवार का कार्ड भी खेल रहे हैं, विकास की तो बात है ही, डर सबसे बड़ी वजह। नहीं, कोई डर नहीं है, डर भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि अगर इन्हें डर नहीं होता तो ये बूथ बूथ जाके ज्वाइनिंग टोली के रूप में कांग्रेस के लोगों को बुला बुलाकर अपने में पार्टी में शामिल करा रहे हैं। ये इनकी बड़ी कमजोरी है, और कांग्रेस बड़ा विशाल समुद्र है, यहाँ कभी नेता कम नहीं होते, वरिष्ठता कम नहीं होती, दिग्गज नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस में कार्यकर्ता उभर उभर के आ रहा है और मजबूती के साथ कांग्रेस के लिए खड़ा हो रहा है। पहले कहते थे ना राजकुमार, कांग्रेस मुक्त कर देंगे, उभर उभर कर आ रहा है, ऐसा दिखे तो जैसे बीजेपी में दिख रहा है कि 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, दो ही हजार कोई बता दो। मोहन जी को टिकट दी, अभी हमने युवा चेहरे को पंकज अहिरवार जी को दी, आप नए चेहरे भी तो देखिए, नए चेहरे आप ये कह सकते हो ना कि पुराने चेहरे ले नहीं रहे। राजस्थान में देखिए टिकट दिया, वो भाग गए आपका कैंडिडेट। देखिए ये लोग तो उपयोग करके छोड़ दे रहे हैं, अरे आपके लोग भाग रहे हैं, आज भी उनको लेके चल रहे हैं। कांग्रेस में जो भाग रहे हैं वो खुद के स्वार्थ, डर और भारतीय जनता पार्टी का जो एक वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, उनकी वातावरण बना हुआ है, मतलब प्लस पॉइंट ये है वातावरण बना है, इसलिए जा रहे हैं उधर। एक भय का वातावरण बनाया हुआ है कि ईडी, आईडी, आईटी, सीबीआई, अब भिन्न भिन्न तरीके के प्रवक्ता जा रहे हैं, आपके छोटे छोटे कार्यकर्ता जा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य जा रहे हैं, इन्हें किस बात का ईडी का डर, सीबीआई का डर? बड़े नेताओं पर तो चलो मान लेते हैं आपका होगा कोई डर, आप उनका क्यों अपमान कर रहे हैं? रहते हैं ब्रजेश जी, छोटे छोटे कार्यकर्ता भी स्थानीय स्तर पे, उन्होंने कहा रेत चोरी में है, मुरम चोरी में है, मिट्टी चोरी में है, राशन चोर कांग्रेस में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सारे चोर कांग्रेस में ही है, मतलब राजकुमार जी जो आ रहे हैं डर के मारे, आप खुद कह रहे हैं आपके यहाँ के कार्यकर्ता चोर हैं, रेत चोरी कर रहे हैं, जिनको लाभ लेना है, जिनको लाभ लेना है, सत्ता सुख भोगना है, वही जाने सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल धरातल पर कार्य कर रहे हैं, पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, वो आज भी कांग्रेस के साथ निष्ठा के साथ खड़े हुए हैं। और कमलनाथ जी ने क्षेत्र में विकास किया है, कमलनाथ जी का गढ़ नहीं, वो कमलनाथ जी का लोकसभा क्षेत्र एक परिवार की तरह है। तो उनके तो और भारतीय जनता चले गए, पार्टी जाफर चले गए, सक्सेना जी का बेटा चला गया, डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि गड़बड़ है, तो वो वहां की जनता का अपमान कर रहे हैं, वहां के आदिवासी समुदाय का, वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, वहां की महिलाओं का, युवाओं का, नौजवानों का, बेरोजगार। ठीक है, अपमान वाली बात पहले भी आ गई, दूसरे दौर में भी आ गई। प्रियंका जी, डर डरा के डरा डरा कर ले जा रहे हो आप, डरे हुए आप लोग हो, जिसलिए उनके यहाँ जितने भी बदमाश हैं या चोर हैं जो भी हैं उनको सबको डरा के अपने पास ला रहे हैं, ये आपके यहाँ आके सत्ता के लालच में आ रहे हैं, वही करेंगे जो वहां करते थे। ब्रजेश जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि चन्नी में दूध लेना और फिर किस्मत को रोल। जिन कमलनाथ जी का ये गुड़बखान कर रहे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र की सारी सीट इनको विधानसभा में जिता करके दी, आप बता दीजिए विधानसभा से लोकसभा तक इन्होंने उनको गुमशुदा कर दिया, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं।
यहाँ तक कि इन्होंने पोस्टर बैनर्स में से भी उनको कई जगह उपेक्षित कर दिया। बिल्कुल लगे हुए हैं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की फोटो। और एक बात, सांसद हैं आपके मध्यप्रदेश में, नकुलनाथ स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया आपने। हमारे यहाँ नेताओं को गुम नहीं करा जाता, मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला जाता, उनको वरिष्ठता के आधार समय लेते हुए टिकट बदल के बाहर से आए हुए तुरंत उनको दी जाती है। ये बिल्कुल नहीं बताइए, हमारे यहाँ कांग्रेस में सम्मान भी मिलता है और स्थान भी मिलता है छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े तक को। जब जब पार्टी के लिए लड़ेगा करेगा, पार्टी के लिए समर्पित रहेगा, उसको स्थान भी मिलेगा और सम्मान भी मिलता है। पल नहीं दे रही है, परंतु आपके जो कैंडिडेट, आपके जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सरपंच, पार्षद, महापौर, जो दुनिया भर के लोग आज आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं। और जहां कार्यकर्ता को आपके जैसे अपशब्दों से नहीं सुशोभित किया जाता, आप लालची कहते हैं अपने कार्यकर्ता को, आप स्वार्थी कहते हो, आप उनको अभी चैनल पे चोर कह रहे हो, दुनिया भर के आरोप आज जो व्यक्ति जिसने आपको जीवन, तो आप लोगों ने भी प्रियंका जी सबसे ज्यादा लगाए पार्टी पर। आपके यहाँ जाने के बाद वॉशिंग में ऐसी मशीन है आपकी भारतीय जनता पार्टी की, बड़ा जबरदस्त पाउडर है आपके यहाँ वॉशिंग मशीन का, कि आपके यहाँ जब ये लोग वहाँ जिन पर आप लोग आरोप लगाते थे वो जैसे ही आपकी पार्टी में शामिल हुए वो बिल्कुल शुद्ध हो गए। आप नवीन जिंदल जी पे देख लीजिए, आरोप लगाते थे कोयला और माफिया पता नहीं क्या क्या, आपके बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता, जैसे वो आपकी पार्टी में शामिल हुए बिल्कुल साफ हो गए। राजकुमार प्रियंका जी एक एक करके बोलिए। बहुत सारे नेता है देश और प्रदेश में जिन पर राजकुमार जी करते रहते, आपकी पार्टी में शामिल होते ही वो बिल्कुल शुद्ध। राजकुमार जी आप कह रहे हैं, प्रियंका जी प्लीज एक मिनट, राजकुमार जी आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अपमानित नहीं करते हैं, मार्गदर्शन मंडल में नहीं डालते, एक मास सांसद हैं आपके नकुलनाथ, स्टार प्रचारक तो नहीं बना इस बार आपने, जयवर्धन को बना दिया, दिग्विजय सिंह को बना दिया, खुद लड़ रहे हैं नकुलनाथ जी, खुद लड़ रहे हैं तो दिग्विजय सिंह भी खुद लड़ रहे हैं, और ये कौन सा फार्मूला है कि खुद लड़ता है उसको स्टार प्रचारक नहीं बनाते, बहुत सारे हैं ऐसे, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं। कमलनाथ जी हैं तो इधर भी तो हैं पिता पुत्र, फिर नकुलनाथ से क्यों परहेज, एकमात्र सांसद थे ना आपके, तो ये अपमान नहीं है। नकुलनाथ जी से कोई परहेज नहीं है, नकुलनाथ जी की रैली, नामांकन रैली भी आप देखिए जिसमें पूरे प्रदेश के हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उमंग सिंघार जी और जीतू पटवारी जी, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी सहित जितने भी हमारे कांग्रेस के वर्कर टीम के नीचे से ऊपर, तो मैं कह रहा हूँ कांतिलाल भूरिया को आपने कर लिया, विक्रांत भूरिया को आपने कर लिया, दिग्विजय सिंह को आपने कर लिया, जयवर्धन सिंह को आपने कर लिया, फिर नकुलनाथ से क्यों परहेज। बिल्कुल परहेज नहीं, नकुलनाथ जी हमारे सांसद हैं, या बीच में डमाडोल हुए थे इस वजह से किनारे कर दिया। बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि उमा भारती जी से सत्ता छीनी और उन्हीं को दूर कर दिया, ये तो इनकी बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ ये स्टार प्रचारकों में बिल्कुल ये भावना नहीं रहती है। चलिए एक कमेंट चेतन जी से ले लेता हूँ। चेतन जी से जाते हैं, इस बार कांग्रेस की साख दाव पर नहीं है, कमलनाथ की साख दाव पर है, कमलनाथ अकेले किला लड़ा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने, जैसे माना जा रहा है कि बीच में डमाडोल हुए थे तो एक साइड छोड़ दिया उनको, क्या कांग्रेस की साख दाव पर है या कमलनाथ की? नहीं नहीं, देखिए दोनों की साख दाव पर है, कमलनाथ की साख तो दांव पर है ही, इसके साथ साथ डॉक्टर मोहन की साख भी यहाँ दांव पर है। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जो 28 सीटें जीती थी वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीती गई थी, इस बार जो नेतृत्व है वो मोहन डॉक्टर मोहन यादव का है, और अगर दुर्भाग्यवश कहीं 4-5 सीटें या 2-3 सीटें भारतीय कांग्रेस के भाग्य में आ जाती है तो निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व पे भी एक चुनाव एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो यही कारण है कि डॉक्टर मोहन यादव भी तमाम तरह के प्रयास ये कर रहे हैं कि जो 29 सीटों का हमने संकल्प लिया है या शिवराज सिंह चौहान ने लिया है कि 29 कमल की माला हम मोदी जी के गले में डालेंगे, तो दोनों की साख लगी हुई है। मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस को उतना डर नहीं है खोने का कि एक सीट बची है, लेकिन बीजेपी को ज्यादा डर है कि और सीटें ना चली जाए, एक और हमारी झोली में आ जाए। बहरहाल समय की बाध्यता है, इसलिए माफी चाहता हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा एक बड़ा टास्क है, बीजेपी ये किला भी फतेह करना चाहती ताकि 29 के 29 सीटें जीत सके। इस बार डॉक्टर मोहन यादव की
भी दांव पर है, कमलनाथ की साख भी दांव पर है, कांग्रेस की तो है ही, क्योंकि एक मात्र सीट बची है, वो कैसे बचा पाएगी, इसमें कमलनाथ किला लड़ा रहे हैं। अब कौन सफल होता है ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।